जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। राहु और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है, क्या अच्छा प्रभाव होगा, बुरा होगा, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली में जब भी राहु चंद्रमा इकट्ठे होंगे तो चंद्र को मध्यम ग्रहण भी लगेगा, जिसके कारण ऐसी कुंडली के अंदर बुध भी खराब फल देता है और बृहस्पति भी खराब होता है। राहु और चंद्रमा का मेल अगर एक से लेकर के छह घरों के अंदर हो तो माता को शारीरिक कष्ट रहते हैं, माता के सुख में कमी हो सकती है या उनको बच्चे के जन्म के बाद कुछ ना कुछ सेहत को लेकर परेशानियां लगी ही रहती है। लेकिन अगर ये योग सात से लेकर के ये युति सात से बारह घरों के अंदर हो तो 24 साल की उम्र तक खराब हालात बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हालात अच्छे होने अपने आप शुरू होंगे। लेकिन एक से छः घरों के अंदर लंबे समय तक परेशानियां जीवन में देखने को मिल सकती है, खास करके माँ के ऊपर कष्ट ज़्यादा रहेंगे। राहु चंद्रमा मिलने से सबसे पहले ये देखना होगा कि जन्म कुंडली में शनि कैसा है। अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छा हो या उपाय करके उसको अच्छा कर लिया जाए या सावधानियां फॉलो करके शनि को अच्छा रखा जाए तो राहु और चंद्रमा की युति कभी भी बुरा फल नहीं देगी, उल्टा हालात बहुत अच्छे होने शुरू होंगे, राहु कभी खराबी नहीं देगा। लेकिन अगर शनि खराब है या चाचा ताऊ के साथ संबंध खराब करके आपने शनि को खराब कर लिया जिसके कारण उधर राहु भी खराब फल दे रहा है, तो ऐसे में फिर दरिया या नदी में बंधा हुआ ऐसा हाथी होगा जो पानी को तो खराब करेगा ही, साथ ही खुद भी नष्ट हो जाएगा। यानी कि राहु को हाथी माना गया है, पानी को चंद्रमा माना गया है। ऐसे में समय समय पर पैसे की खराबियां नुकसान भी देखने को मिलेंगे, बच्चे के जन्म के बाद माँ को शारीरिक कष्ट तकलीफें देखने को मिलेंगी, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना और पढ़ाई के पूरे लाभ ना मिलना। और अगर ऐसे में कहीं राहु की महादशा या चंद्रमा की महादशा आ गई फिर तो माँ के ऊपर कष्ट तो आना ही है, साथ ही माता को मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ जाना। अगर ये खराब घरों में हो, खास करके एक से छः घरों के अंदर अगर ये योग हो तब ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही ऐसे में ससुराल के ऊपर भी इसका खराब असर देखने को मिलता है, खास करके इंसान की 45 साल की उम्र के बाद ही ये ससुराल के ऊपर खराब असर भी डालता है। ऐसे में केतु भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर शनि खराब हो तो राहु खराब होगा, राहु खराब हो तो केतु भी बुरा फल देगा। तो राहु और चंद्रमा के मिलने से इधर बृहस्पति खराब हुआ, उधर बुध भी खराब हुआ, और अगर शनि खराब है तो केतु भी खराब हो, तो लगभग 6-7 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ही खराब हो जाते हैं। इसलिए शनि को अच्छा करके इस युति को कंट्रोल करके हम अच्छे फल जरूर ले सकते हैं। अब राहु और चंद्रमा का मेल, ऐसे लोगों को पानी से जरूर बचाव रखना चाहिए। गहरे पानी में स्विमिंग करना या बोटिंग करना, इससे हमेशा परहेज रखें। अगर ऐसे लोग पानी से परहेज नहीं रखते या गहरे पानी में उनको स्विमिंग करने की या लगभग बोटिंग करने की आदत पड़ जाती है तो ऐसे लोगों की पानी में डूब करके मृत्यु तक भी संभव है। इसलिए गहरे पानी से परहेज रखिए। चंद्रमा हमारा मन है, राहु हमारा दिमाग है, तो राहु जब चंद्रमा को खराब करता है तो ऐसे में बिना वजह मन के अंदर डर और वहम हमेशा ही बना रहता है। ऐसे लोग कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, किसी भी तरह से मन के अंदर बिना वजह फ्यूचर को लेके डर भी ये बना के रखता है। और ऐसे में कहीं ये सूर्य को भी खराब कर दे सूर्य के घर में बैठ करके, तो शारीरिक कष्ट ऐसे देते हैं कि शारीरिक कष्ट रहते तो है लेकिन डॉक्टर की समझ से बाहर होते हैं। ऐसे लोग अपने टेस्ट करवा करवा के थक जाते हैं लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है, रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आता लेकिन उनके शारीरिक कष्ट फिर वैसे के वैसे रहते हैं। डॉक्टर भी उनको ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपका सिर्फ मन का वहम ही है। इस तरह की खराबियां भी देते हैं। डबल माइंडेड, कंफ्यूज, और कहीं चंद्रमा या राहु की दशा आ जाए उस समय के अंदर तो पैसे की खराबी, नुकसान, प्रॉपर्टियों में पैसा फंसना, खराब होना, ये सारे हालात दे जाता है। इसलिए शनि को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, राहु चंद्र की ज्योति के अंदर शनि को अच्छा रखो, और कहीं ये दूसरे घर के अंदर बैठ जाए वहाँ फिर कुंडली धर्मी मानी जाती है, वहाँ इतना बुरा फल नहीं देते, वहाँ बैठ करके रुपया पैसा सुख समृद्धि के योग जरूर दे जाते हैं। ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए, शनि को कैसे अच्छा किया जाए।
हर सोमवार कम से कम 7 सोमवार नीले कपड़े के अंदर 2 मुट्ठी चावल भर के इसको सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जल प्रवाह कीजिए, और साथ ही अपने चाचाताओं के साथ संबंध अच्छे रखिए, रोज कुत्तों को वो की सेवा कीजिए, और चांदी के एक बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का ढक्कन लगा करके इसको अपने घर में स्थापित कीजिए। मात्र ये उपाय कीजिए, राहु चंद्रमा की युति से संबंधित अगर दिक्कतें आ रही है तो ये उपाय करने से जरूर आपको लाभ होगा, और इतनी सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि अगर बुध भी खराब हो गया राहु चंद्र के मिलने से तो व्यापार तो अपने आप खराब हो गया, डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो गई, मन और दिमाग के अंदर एक डर और वहम अपने आप बैठा रहेगा, डिप्रेशन जैसे हालात भी दे जाएगा, तो ये उपाय करने बेहद जरूरी है। इसी तरह से हम और भी विषयों पे आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।